जो काम मैंने आज तक देखा ना वो भाई ने कर दिखाया। कैसे? वो मैंने 1.5 साल मर्सिडीज में जॉब करी थी। देख लो भाई, 1.5 साल मर्सिडीज बंदे ने जॉब करी हो, ठीक है? पूरी आपको बॉडी दिख रही है। हाँ? ये पूरी फाइबर बॉडी, कार्बन फाइबर। ध्यान संभाल के रखना, ठीक है भाई। चल ये देखो, प्रॉपर आराम से निकल गया। अब निकाल के इसको ऐसे ही लगा देना है। देखो ये देखो, कुछ इस तरीके से। तो यार वो बोल के तुम्हारे इस मीर गलत के नेक्स्ट एपिसोड है भाई। तुम देख लो आज अपने सामने ये जो गाड़ी है, तुम्हें देख के पता लग रहा होगा है ना, बच्चे बच्चे को पता यार ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी है। पर मेरे साथ यहाँ पे यश भाई है, ठीक है यश भाई, क्या हाल चाल? सब शानदार। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनके कस्टम्स का नाम है YS कस्टम, दी YS कस्टम इंस्टाग्राम पेज है। और मैं स्पेशली इस गाड़ी के लिए यार दिल्ली से भोपाल आया हूँ, क्योंकि गाड़ी कुछ इस प्रकार की है। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर लग रही होगी है ना, पर भाई जरा आप असलियत का खुलासा करें कि ये गाड़ी कौन सी है भाई। ये है होंडा सिविक, देख लो भाई। ये है होंडा सिविक जिसको भाई ने कन्वर्ट किया है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर पे, ठीक है। पहले तो भाई मुझे आप ये बताएं कि यार आपको क्या एक्चुअल लैम्बोर्गिनी पसंद नहीं थी, या क्या मतलब कि अपनी खुद की लैम्बोर्गिनी बनाई थी, लैम्बोर्गिनी वाले को प्रूव कर दिखाना था कि सस्ते में बना दूंगा, क्या सीन था यार? यार मैंने सोचा कि 7.5 करोड़ की गाड़ी तो खरीद नहीं सकते, तो अच्छा। बना लो इससे अच्छा। अच्छा तो मैं जो तुम्हें बताया, देखो गाड़ियां ना दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक या तो आप लैम्बोर्गिनी को खरीद लो, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा हम इनको बोलते हैं लैम्बो रेप्लिकास, ये रेप्लिका में आता है, ठीक है। और पहली बात यार इन सबको बनाना ना आसान खेल नहीं है। आज से 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे द येलो माफिया कार्स ऑफ इंदौर, जिसमें मैंने मास्टर बिल्डर चैनल पे पहली बार रिवील की थी कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं भाई जैसे जो गाड़ियों को होंडा सिविक सिटी अकॉर्ड इन सब गाड़ियों को लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो दौर था, उसके बाद से मुझे कोई बंदे मिले नहीं, और अब जाके भाई ने 2022 में सेम ऐसा काम किया। पर बता रहा हूँ यार, जो काम मैंने आज तक देखा ना वो भाई ने कर दिखाया। कैसे? तुम फिनिशिंग देख रहे हो इस गाड़ी की, जरा तुम फिनिशिंग चेक करो, ठीक है। हर एक चीज़ पर गौर फरमाओ भाई। अब जरा हेडलाइट जलाएंगे, तुम देखो भाई ने जो हेडलाइट्स है ना ये भी कस्टमाइज खुद से बनाई है, ठीक है। एक्रेलिक शीट्स, यहाँ तुम देख लो डॉट्स वाले जो लाइट्स है प्रॉपर उसका काम किया गया है, ठीक है। कर्व देखो कितने बढ़िया कर्व इसमें दिए गए। मैं पीछे का दिखाता हूँ भाई, मैं ब्रेक्स मारना, आप तुम पीछे की लाइट देखना, ये भाई ने बनाई है। 4.5 लाख की एक लाइट आती है, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें 16 लाख की 4 लाइट्स हेडलाइट प्लस टेल लाइट पड़ती है, जो कि भाई ने 60-65 हज़ार के राउंड में खुद से कस्टमाइज करी है, ठीक है। देख लो कुछ इस तरीके से। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों को गाड़ी देख के लग रहा होगा कि भाई ऐसा काम तो यार बंदा कैसे कर लेगा, मतलब इतनी सफाई से कैसे बना लेगा यार। यश भाई मुझे जरा अपने बारे बताओ कि यार तुम हो कौन और कैसे ऐसा करिश्मा अपन ने कर दिखाया यार। भाई हम रहने तो भोपाल के वाले ही हैं। अच्छा लेकिन कॉलेज से ही गाड़ियों का काम कर रहे थे। कॉलेज अपना बताओ, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग भाई, आप कौन हो, कॉलेज से आपका कितना शौक था गाड़ियों में? वो कॉलेज में ही गाड़ियों का काम करते थे। अच्छा वेलोर से पास आउट थे हम लोग, तमिलनाडु से। VIT वेलोर काफी रिनोन कॉलेज है। ओके तो वहाँ पर हम लोग ऑफ रोड गाड़ी बनाते थे पहले। अच्छा जो ओरेगोन कैलिफोर्निया सब जाती थी, तो हमको वहीं से शौक चढ़ा था गाड़ी बनाने का। अच्छा तो आप ऑफ रोड गाड़ी बनाते थे जो कि बाहर जाती थी? कॉलेज से ही बनाते थे? कॉलेज से ही बनाते थे। तो वो कौन सी गाड़ियाँ थी, मतलब ऑफ रोड थी क्या, कंपनी वाली थी या कुछ से? कंपनी कुछ नहीं, वो कौन तो टैग वगैरह कुछ नहीं होता उनका। अच्छा और वो होता है कि कॉलेज स्टूडेंट ही बना रहे हैं? स्टूडेंट ही बना रहे होते हैं, और उन कॉलेज स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है स्पेन में, कैलिफोर्निया में, सब जगह। ओके मतलब सबसे बेस्ट एंड्योरेंस गाड़ी किसने बनाई। अरे वाह, आपने मतलब अपने कॉलेज टाइम से ही गाड़ियों पे इतना था ध्यान दिया। और आप मुझे बता रहे थे कि आपको भोपाल का टार्जन द वंडर कार गाय बोलते हैं, है? जी, हाँ जी। अरे वाह यार, एक और चीज आप बताना भूल रहे हैं कि आप जरा ये बताएं मुझे, VIT फ्लोर में सारे बच्चे पढ़ाई करते थे और आप क्या करते थे, वो आप बताएं अच्छे से, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। ऑटो वेल इंजीनियर जितने इंस्पायरिंग देख रहे हैं। अब 8 बजे तक तो क्लासेस खत्म होती थी, फिर हम सुबह 9 से लेके 6 बजे तक गाड़ियों में घुस जाते थे। अच्छा 4 साल बस हमने यही किया। अच्छा हाँ जी। दिन भर रात भर गाड़ियों के ऊपर? गाड़ियों के ऊपर। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि आपका कॉलेज जब खत्म हो गया था उसके बाद यार आप कौन सी कंपनी में लगे थे, वो भी बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। वो मैंने 1.5 साल मर्सिडीज में जॉब करी थी। देख लो भाई 1.5 साल मर्सिडीज बंदे ने जॉब करी हो, भाई बताएं अच्छे से कि वो कौन से भारत बेंज में और किस भारत बेंज में जो बसेस का प्रोडक्शन प्लांट था। अच्छा वो मेरे अंडर था। आप मुझे बताएं ना कैसे कैसे आपने मोल्डिंग करी और किस चीज से करी गई है, ठीक है। पूरी आपको बॉडी दिख रही है। हाँ? ये पूरी फाइबर बॉडी, कार्बन फाइबर।
कार्बन फाइबर। हाँ जी, आप इस पे हथौड़ा भी हथौड़ा मारोगे तो डेंट नहीं आएगा इसके ऊपर। पर भाई ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है? हाँ जी बहुत ज्यादा हार्ड है। हम जो फाइबर सुनते हैं वो फाइबर पतला होता है, पर ये बहुत ज्यादा फाइबर है। ग्लास फाइबर मिक्स है इसमें। आप बताए थे कि यार ये गाड़ी अगर हम दीवार मार दो दीवार टूट जाएगी, गाड़ी कुछ नहीं होगा। और कोई भी गाड़ी में अगर टूट जाएगी तो गाड़ी खत्म हो जाएगी, इसके बस कलर खराब होगा। अच्छा, कितना खर्चा आया इस गाड़ी पे? हम प्रॉपर बात करेंगे क्या क्या किया है, पर खर्चा टोटल कितना आ गया? ये वाली गाड़ी में खुद के लिए बनाई थी मैंने तो। अच्छा, तो इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा चला गया। इसमें 16 से 17 लाख के आसपास का खर्चा आ गया। अच्छा, और ये गाड़ी जो है ये जस्ट आपकी डेमो कार है ना? डेमो कार है मेरी। जितने भी बंदे देख रहे हैं वो उनका भी सपना मतलब पूरा हो सकता है लैम्बोर्गिनी का, आप करोगे सुपर कार। अच्छा, सुपर कार आप बना सकते हो? बस मुझे नाम बता दो, मैं आपको बना के दे दूंगा गाड़ी। अरे वाह। हाँ। और सिर्फ सुपर कार नहीं, अगर कोई डिजाइन भी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो कितने बना के दे दोगे आप बंदों को, जितने बंदे? यार ऑफ कोर्स बहुत लोगों को इंटरेस्ट आएगा जिनको बनवानी है, जरा वो बताएं फिर हम गाड़ी की बात करेंगे। थोड़ा आपका प्रमोशन होना चाहिए, आपने काम ऐसा किया है। अंडर 15 लाख तो बनाई देंगे सबको। अंडर 15 लाख में एक्सट्रीम कोई कार हुई तो, वरना वेरिएशन 10 लाख में 12 लाख में भी हो जाता है। आप मुझे बता रहे थे पर यार कि इंदौर भोपाल में बड़ा मार्केट खराब हो गया है यार इस चीज का, जरा उस बारे में जिक्र कर दीजिए, वो बहुत मेन है यार। आपने वो टॉपिक निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या है, कुछ लोगों की वजह से मॉडिफिकेशन का नाम खराब हो चुका है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा। अपने एरिया, मतलब अपने एरिया का स्पेसिफिकली, भोपाल इंदौर का। हाँ, वो मॉडिफिकेशन का नाम खराब हो चुका है। हाँ, लेकिन असलियत में ये सच्चाई नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके जो ड्रीम है, आपका जो कार, आपको जो पसंद है, वो सब मैं बना के भी दूंगा, सब फंक्शंस भी दूंगा, और आपके ट्रस्ट के साथ करके दूंगा मैं आपको। और आप पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो वाला बताएं आप। पूरा कॉन्ट्रैक्ट जितने महीने का, 6 महीने में अगर गाड़ी बननी है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि 6 महीने में आपसे गाड़ी ले रहा हूँ। हाँ, और एग्जैक्टली 6 महीने बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, आपको नहीं मिली अगर। हाँ, तो कस्टमर की जो विश है वो कर सकता है। अच्छा, और एडवांस वगैरह का अच्छे से बताया, क्योंकि पहले तो सीन हुए थे जो आप बता रहे हैं वो यही हुआ था कि एडवांस में पैसे ले लिए गए और फिर वो काम नहीं मिला, गाड़ी भी गायब हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। तो एडवांस कितना लेंगे आप जैसे बंदों के लिए जो आएंगे आपके पास? मैक्स टू मैक्स 20-30% के अंदर। और ऑल ओवर इंडिया से हम बात कर रहे हैं ना, कोई भी आए। और आए क्या, आप भी गाड़ी मंगवा सकते हैं ना, उनको आने की भी जरूरत नहीं है। बस ये था तुम्हारे लिए और भाई के लिए, ठीक है? क्योंकि बंदा इतना मेहनत कर रहा है, बंदे का काम है तो थोड़ा हमारा फर्ज बनता है ना कि यार इनका थोड़ा प्रमोशन करें। अब बात करते हैं गाड़ी की डिटेल, बताएं आप यार कैसे कैसे आपने काम चालू किया, अब टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया ये पूरी कार्बन फाइबर बॉडी है। अच्छा, ये पूरी डिजाइन होकर बनती है, मोल्डिंग से होकर के बनती है। अच्छा। हाँ जी, ये जो आपको लाइटें दिख रही है, इसकी सामने वाली की एक लाइट की ओरिजिनल कॉस्टिंग है 4.5 लाख रुपीस। हाँ, और चारों का सेट जाता है 16 लाख का पड़ता है वो। अरे वाह। लेकिन हम लोग ने 62-65,000 में पूरी कंप्लीट कर दी। अरे वाह, खुद से आपने बनाया? खुद से पूरी। इवन इसके जो आपको बम्पर वगैरह देख रहे हैं सब कस्टमाइज है, लोगो कस्टमाइज है, सीजर डोर कस्टमाइज है। हाँ। बाकी फिर स्पॉइलर वगैरह है। हाँ। वो सब कुछ भोपाल में ही बना है सब कुछ। अरे हमारे पास ही बना है सब कुछ, मतलब भोपाल का नाम रोशन करना है। आपने का नाम रोशन करना है। स्पॉइलर भी देख लो बंदे ने खुद से बनाया, ठीक है? और ये वाला लुक देख लो, ये भी। मैं आपको एक चीज ही बताऊं। हाँ, ये स्पॉइलर डिजाइन नहीं है ऑनलाइन, ये वाला। अच्छा, आपको चेंज दिखेगा इसमें, लेकिन जब हमने गाड़ी बना ली। हाँ? उसके बाद एक लैम्बो पे हमको सेम डिजाइन दिखा। अच्छा, ये कॉमन है इस वीडियो। हाँ, देखता हूँ, होता रहता है यार। ओके, अब अगर बात करें नीचे, देखो डिफ्यूजर से लेकर बॉडी, ऑफ कोर्स है पूरी बॉडी ही भाई ने बनाई है, तो उसमें तुम्हें पता है क्या क्या फील है, ठीक है? कुछ भी नहीं है कि आपको वीक लगे, आप किसी भी कुछ भी कर लो। हाँ, कहीं पर भी कुछ भी मार के देख सकते हैं ना। ग्रिल्स भी देख लो भाई ने कस्टमाइज कर रखी है, टेल लाइट्स भाई ने खुद से बना रखी है, ठीक है? और भाई अगर हम बात करें सबसे मेन होता है इस गाड़ियों का ना, इन गाड़ियों का एग्जॉस्ट, ठीक है? आपने एग्जॉस्ट में काम किया है? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। वो जरा बताएं। हम लोग ने 4 सिलेंडर को कन्वर्ट कर करके एक में लाए हम लोग, स्ट्रेट पाइप। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद हमने वापस उसको एक को एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, फिर वापस उस एक को 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, जैसा आप देख रहे होंगे 4 भोज निकल रहे हैं। बड़ी टेक्निकल बात बोल दी आपने ये। ओके, जब एक्सपेंडेड होता है तो जब एक जगह आएगी तो वो। अच्छा, वो प्रेशर बनाएगी, लेकिन जैसे ही वापस जाएगी तो साउंड बहुत एनहांस्ड आएगा, बेस ही आवाज आएगी। अच्छा। हाँ जी, तो इसी बात पर जरा साउंड सुना दे फिर। बिल्कुल सुना देते हैं, आओ साउंड चेक कराते हैं, ठीक है? तो अब वक्त है यार, तो अब यार देखो गाड़ी ऑन हो गई है, अब जरा हम तुम्हें एग्जॉस्ट की साउंड सुनाने वाले हैं भाई, फिर हो जाए कान संभाल के रखना, ठीक है भाई? चल, ये देखो प्रॉपर बहुत क्रेजी यार, आगे गुजबम्स आ गए। ये लिटरली यार लैम्बोर्गिनी वाला साउंड हो गया यार एकदम। अब देखो इसमें भाई बहुत लोग होने वाले, ठीक है? तो बोलेंगे
अरे कहाँ लेम्बोर्गिनी का साउंड है ये तो बस यूं ही है, पर भाई उस लेवल को मैच कर जा रहे हैं उसके आसपास आ जाना भाई, वो बहुत काबिल तारीफ वाली बात है। इसके लिए आपको सलाम है सच में। और जो आपने बताया ना सिलेंडर वाला खेल, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, पर यार मेरी ऑडियंस में से कुछ लोग शायद समझ पा रहे हैं। अब भाई आप जरा उस तरह बैठे, गाड़ी को जरा चढ़ा के देखते हैं। जैसे ये मैंने वैसे क्लीवर खींचा, हाँ ये देखो पूरा खुल गया, ठीक है। तो ये नया लगा है इसलिए परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा तो इसको आप मतलब नेक्स्ट आप हाइड्रोलिक में करने वाले हैं ना? करने वाले कंप्लीट ऑटोमेटिक। अरे वाह, आप बटन दबाओगे, हाँ दोनों कांच ऑटोमेटिक नीचे जाएंगे और ड्राइवर साइड का गेट ओपन हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब भाई जरा इसको बंद कर देते हैं, जरा बंद कर दो इसे, आप खींच लो नीचे, खींच लो ऑटोमेटिक। अच्छा हैंडल से कर लो। अरे वाह बहुत सही, ठीक है। और मुझ जैसी हाइट वाली बंदों के लिए यार भाई इन गाड़ियों फिट आना भी ना बहुत अपने आप में काफी क्रेजी बात है, ठीक है। अब भाई उससे पहले ना जरा हम दिखा देते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या दे रहे हो आप, ठीक है। ये स्क्रीन अभी बंद क्यों है? स्क्रीन आप बोलो तो चालू कर दो। चालू कर दो यार भाई, एक चीज है एंड्रॉइड की जगह अगर लेम्बोर्गिनी लिखा हो जाए ना मजा आ जाएगा। आप भी कर देंगे, वो भी कर देंगे आसान से, बस एक स्क्रीन लगानी है। वो क्यों लगाई आपने? बजट शॉर्टेज? वर्थ इट नहीं लगा मुझे शायद। हाँ सही में, ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतनी सी चीज बहुत ज्यादा बजट मांगती है, बहुत छोटी सी चीज, पर ये आप कस्टमर्स के लिए कर सकते हो, है ना? कस्टमर्स के लिए कर सकते क्योंकि अगर कस्टमर थोड़ा सा यार अपने बजट को सही रखेंगे तो भाई क्या से क्या बना देंगे, ठीक है। और बाहर से भी बिल्ड क्वालिटी चेक हो रहा है, ठीक है। देख लो भाई स्क्रीन भी अपनी ऑन हो गई है, जो कि नॉर्मल आपको एंड्रॉइड वाली डिस्प्ले मिलेगा। भाई यहाँ से आप मुझे जरा बताएं क्या क्या आपने इसमें फीचर रखे, क्योंकि नॉर्मल लेम्बोर्गिनी में ये वाला पैनल आता नहीं है ना? हाँ नहीं, उसमें नहीं आता, उसमें कुछ अलग होता उसमें है, उसमें थोड़ा अलग होता है, उसमें कैबिन जो बोलते हैं। आप बताएं क्या क्या किया आपने? ये कंप्लीट है अपने एसी का कंसोल, एसी कंट्रोल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये हो गए अपने पावर विंडोज, अच्छा ये दोनों साइड, ये आपके ड्राइवर साइड की, मेरे साइड की, ठीक है। अब हम लोगों ने लगा के रखा है मर्सिडीज का स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग मर्सिडीज का और ये कॉलम भी मर्सिडीज का है। ओके अभी देखिए, आप देखेंगे तो स्टीयरिंग पीछे जाएगा, ये देखो भाई ये देख रहे हो? अरे वाह, अरे वाह भाई के बटन दबाने से। हाँ और अब भाई जरा इसको दोबारा से आप इसको वापस कर, अब जैसे आपके आपकी हाइट बड़ी है तो आप अपनी ज्यादा कर लो। अरे वाह देख लो पूरी मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये मतलब मर्सिडीज में काम करने का थोड़ा फायदा हुआ है। हाँ, ये मर्सिडीज में काम करने का ठीक है। और ये अपने हजार्ड हो गए, ठीक है। ये इग्निशन स्विच हो गया। अरे वाह ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ये अपनी ग्राउंड लाइटिंग, रात में जो दिखेगी अभी नहीं दिखेगी। ओके ठीक है। और ये इंटीरियर लाइटिंग अभी हल्का हल्का शायद आपको दिखे, हल्का ओके जो ब्लूइश ब्लूइश लाइट हल्की सी आ रही है, जो चेंज हो रही लाइट, हां चेंज हो रही है लाइट अभी। ओके ये हो गया अपना सेल्फ बटन, अच्छा। हाँ ये हमने कोशिश करी है, ये लैम्बो में ऐसा एग्जैक्टली सेम होता है। ये अपने हो गए मैनुअली डोर ओपन करने के लिए, अच्छा। हाँ तो जो कि इसमें आप वर्किंग करने वाले हो, इसमें वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गए अपने मिरर्स के लिए, ये देखो भाई मिरर कंट्रोल जो भाई ने प्रॉपर कर दिए, ठीक है भाई साहब बहुत बढ़िया। ये मिरर्स एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये पेट्रोल टैंक का कैप ओपन करने के लिए, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया, डिक्की ओपन करने के लिए। अरे बहुत सही बहुत सही। भाई होंडा से कौन सा वाला साल का था ये मॉडल? ये 2012 वाला होंडा सिविक था। अरे वाह यार। और अगर मैं पूछूं भाई एक मेरा सवाल है, उसको हम गाड़ी चलाएंगे कि होंडा सिविक ही क्यों लिया आपने? होंडा सिविक सबसे ज्यादा रिसेंबल करती है लैम्बोर्गिनी के डायमेंशन से, यही रीजन था, यही रीजन था मोस्टली। ओके इवन मैं चाहता हूं इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, क्योंकि अकॉर्ड ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बजट इश्यूज होते हैं। भाई मैं चाहता हूं इस वीडियो के लिए ना जितने अपने गूगल में जो ब्लॉग्स लिखते हैं ना, जिससे मैं शाउट आउट दूंगा कार टॉक और ये जितने भी मतलब ब्लॉग साइट्स हैं, आप लोगों को फुल्ली छूट यार, फुल रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के ऊपर ब्लॉग्स लिखें, वायरल करो। मैं चाहता हूँ कि ना ये जो गाड़ी है ना, ये अपने अभी मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, ब्लॉग्स में है, साथ में न्यूज़ चैनल वाले भी भाई के घर पे आए वीडियो मतलब इनका बाइट लेने, अगर प्रॉपर जर्नलिज्म वाली टर्म बोले, ठीक है। तो सल्यूट भाई को है, बाकी अब जरा आओ चला के देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पक्का पक्का फोटो खिंचवा देते हैं इनकी, धन्यवाद तुम्हारे लिए। थैंक यू अब इन सबकी फोटो खींच ली है भाई, ये कुछ प्यार है यार, देख रहे हो क्या बात है। अब लोग आप ये सब कारों का प्यार है असलियत में, हाँ ये सब कार का प्यार है असलियत में। और एक और चीज यार, हम अभी ना वहाँ पे गाड़ी का ना थोड़ा कुछ पंचर वगैरह होता है, पंचर करवाते हैं इस गाड़ी का, लिटरली भाई बच्चों की 3-4 बार वैन चलेगी, ठीक है। और उसमें सारे बच्चे ना चिल्ला रहे थे, ओ देखो लैम्बोर्गिनी, ओ लैम्बोर्गिनी, मतलब बच्चों तक को पता है लैम्बोर्गिनी के बारे में। और कितने 7-8 साल 10 साल 15 साल के बच्चे होंगे, बता कौन रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फेमस कितनी कंपनी बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। और देखो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी की भाई ने बैचिंग एक तरीके से भी सीट्स में लगवा रखी है, ठीक है। ये भी स्टिचिंग करवाया आपने,
क्या होता भाई, चले अब चलते हैं। यार मैं कैसे चलाऊंगा इसे भाई, मेरा ये पैर नहीं आ रहा है इसको, पर अंदर करो आप एक मिनट भाई। देखो ये कुछ थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि लो भाई साउंड तुम्हारे लिए। देखो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, तो क्लच है ना यार, क्लच में मेरा पैर जा ही नहीं पा रहा, इतने लंबे हम, ठीक है। ये तो टांग है, देखो यार ये टांग मेरी ऊपर हो ही नहीं रही, मैंने इसको आगे पीछे करके सब देख लिया, इसको थोड़ा पीछे करता हूँ कि टांग की सेटलमेंट हो जाए। देखो और आन दो इसको, और आन दो, ठीक है, पूरा हम इसको आन दे रहे हैं। देखो धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। अब आप घुटना उठा के देखो भाई, बहुत मुश्किल, मुझे लगता है राइट से चल पाएगी, लगता है नहीं नहीं नहीं, तो ट्राई करें करके देख लो, ये टेक्निक सही होगी भाई। हाँ। लेफ्ट से इसको दबा के पैर को, क्लच को, फिर हमने राइट से शिफ्ट कर दिया। अब सेकंड गियर पे है, आओ भाई। अरे वाह, फुल खतरनाक लैम्बोर्गिनी चलाते थे, कस्टमाइज्ड लैम्बोर्गिनी स्पेशली इन भोपाल गैलेक्सी, फुल भाई सामने दिखाओ एक बार, और हमने फुल इसको खींचा दिया है, ठीक है, थर्ड गियर पे 80 पे है ये। ओ भाई क्लच छोड़ते ही दोबारा दिक्कत है इसमें, रुको भाई, ये भी स्टंट, ब्रेक दो, ब्रेक दो, ब्रेक लो है, ये भी स्टंट ही कर रहा हूँ मैं। ओहो लगता है मुझे क्लच से इसमें पैर निकालना नहीं चाहिए अभी के लिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत क्लच पे हटा देगा ठीक है, पर गाड़ी तो नहीं ठुकेगी, मेन तो ये है, ठीक है। आओ थर्ड गियर पे, मेरे को तो ऐसा सा फील हो रहा है कि मैं पता नहीं कोई चपटी सी बस चला रहा हूँ ठुकी हुई, थोड़ा इधर का वो है ना गियर से ऐसे फील आ रही है, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा इसको हमने खींचा दिया, आर स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, पूरा ध्यान देना अपने को, भाई कितनी हो यार, हाँ भाई ब्रेक कितनी हार्ड है। हाँ ना, तो इसको ब्रेक को आप क्यों नहीं करा रहे ठीक, ब्रेक इसमें बूस्टर उस तरीके का लगा है, चारों एक साथ लगते हैं इसमें। अच्छा इसलिए हार्ड है, इसलिए ओके, क्योंकि अलॉय पड़ गए ना। हाँ हाँ हाँ, देखना स्पीड ब्रेकर पे धीरे, भाई बहुत ज्यादा हार्ड है ब्रेक्स भाई, काफ मसल टकरा गए। क्या लगता है कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, फाइबर बॉडी है अपनी, कार्बन फाइबर बॉडी। हां नहीं नहीं यार बहुत सही किया भाई, को लगता है फ्यूचर बना था कि ऐसा कभी मैं आगे कर सकता हूं, इसलिए भाई ने 9 लेयर्स ऑफ फाइबर डाली है इसमें, ठीक है, सब फाइबर है। मेरी हाइट के हिसाब से यार इस गाड़ी को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब इसमें भाई गलती नहीं यार, भाई ने अपने हाइट के हिसाब से लाया था, भाई को फुल बिगस है, फुल सलाम है, पर मैं थक गया भाई। पर भाई अब मौका है, अब जरा इस गाड़ी को कन्वर्ट करके दिखाते हैं भाई, प्रॉपर कन्वर्टर भाई बनाइए, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको जरा। इसको आपने ऑटोमेटिक नहीं किया अभी? नहीं, मैनुअल है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल एस रोडस्टर आती है, हाँ, उसका देख के बनाया हमने। अच्छा तो वैसे आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो? ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, तो वो पीछे का डिक्की पे चला जाता है। अच्छा ओके, अभी यहां पे जाके, अच्छा ऐसी, ओके ओके तो ऐसा लग रहा है भाई हमारे सामने कस्टमाइज कर रहे हैं इसे, ठीक है। अब दोबारा इसको खोल के, ठीक है, सेम इसको भाई ने खोला नीचे से, और ये पार्ट अब एज इज निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना तुम, भाई ने खोला, ये निकल गया पार्ट अपना, और इसको निकाल के देखो आराम से निकल गया, अब निकाल के इसको ऐसे ही लगा देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब एडजस्टमेंट प्रॉपर भाई ने सेट कर रखा है, बहुत सही। अरे वाजीवा, अभी के लिए मैनुअल है, पर अगर तुम लोग यार भाई को मतलब प्रॉपर एक खर्चा दोगे, अगर तुम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी बनाओगे, तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा जरूर, ठीक है। मेरा बस इतना फर्ज है कि यार भाई को थोड़ा हमारे थ्रू काम मिले, तो भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस सब कुछ दे दूंगा मैं, अपनी अपनी लैम्बोर्गिनीज बनवाओ यार, लैम्बोर्गिनी कोई सी भी गाड़ी, कोई भी डिज़ाइन वाली, तुम्हारे वहाँ में जी वैगन, हमर कुछ भी हो, मॉन्स्टर ट्रक क्यों ना हो, ये बना देगा इंसान, ठीक है। वहाँ देख लो, ये देखो ये बच्चों का कुछ रिएक्शन होता है यार। तो अब जरा यहाँ से भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, और बिग अप्स टू भोपाल पुलिस यार, बहुत लवली पुलिस है, ठीक है। मैंने अपने मास्टर रोल चैनल का व्लॉग भी डालना है, एक और इंसिडेंट हुआ था ऐसा ही, तो चलो ट्राई पुलिस थे, प्रॉपर पुलिस आई थी, तो वो व्लॉग मास्टर रोल चैनल पे शायद से कुछ टाइम बाद आएगा, कुछ दिन बाद आएगा, देखना जरूर, या पहले आ गया आई डोंट नो, पर व्लॉग आएगा मेन चैनल पे, उसे जरूर देखना है, ठीक है। और हमने बहुत तगड़ी एक रील भी बनाई है, वो तुम्हें देख लेगी होगी इंस्टाग्राम पे, वो तुम्हें जरूर देखनी है, ठीक है। अब देखो भाई प्रॉपर कन्वर्टेबल, प्रॉपर ओपन छत में भाई फील ले रहे हैं, और ये है एक्चुअल में लैम्बो का फील, देख लो बहुत सही, देखो ये देखो कुछ इस तरीके से, जवाब लाचो आप, हाँ क्या बात है, मैं सही बोल रहा हूँ, अभी चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा,
भाई मैं इधर बैठ के फील ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो सोचना कि मैं नहीं चला पा रहा, तो थोड़ा कैसा लग रहा होगा, मुझे बढ़िया लग रहा है ठीक है। मेरी टांगे जो वहाँ पे मुझे फील, और टांगे छोड़ो टांगे नहीं, इसे मुझे सीख मिली ना हाँ, कि सबके लिए बना, सबके लिए होनी चाहिए गाड़ी, थोड़ा सा मतलब माइन्यूट चेंज करना है बस, वो हो जाए ना मज़ा आ जाएगा ठीक है। और बस, और एट लास्ट जाके हम भाई से ज़रा कुछ नेगेटिव पॉइंट पूछेंगे। देखो भाई मैं पूछता हूँ, तो मुझे पूछना है कि क्या दिक्कत आई आपको इस लैम्बोर्गिनी में कंस्ट्रक्शन में, कुछ मुश्किलें, हमने अच्छाई तो बहुत बात कर ली, कुछ मुश्किलें तो जरूर आई होंगी है ना, तो मुश्किल तो बताओ आप जरा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जब आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो हाँ, तो सामने वाले की ब्रांड वैल्यू पे मैटर करती है हाँ, एग्जैक्टली जैसे लैम्बोर्गिनी की हाँ जी, अगर मैंने ये बनाते बनाते आप अच्छा काम नहीं किया होता हाँ, तो एप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है, मज़ा नहीं आता उसका। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही भाई, तो लोग फालतू फिर सबसे ज़्यादा बोलते हैं हाँ। और मेन जो इसमें दिक्कत आई थी वो आई थी इनकी लाइट्स में हाँ, लाइट सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था इसका, क्योंकि जितने बंदे बाकी और भी हैं वो लैम्बोर्गिनी बना रहे थे, पर लाइट्स में लाइट वही जो वो छोटी मोटी एलईडी वगैरह लगा दी हाँ, और कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो है। बाकी सिस्टम वगैरह आपने कुछ करवाया है? सिस्टम चालू है, आप गाने सुनोगे सुन लो। तो इसमें क्या बेस ट्यूब वगैरह लग रही है? बेस ट्यूब लगाई नहीं है अभी। अच्छा अभी लगाई नहीं है, पर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत सही। अभी देखो बिना सिस्टम मतलब प्रॉपर बिना बेस ट्यूब और बिना सबवूफर के, तुम्हें पता है साउंड कैसा आता है, सुनाने का आता कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ, पर ये आपको मतलब सबसे मेन मुश्किल आई थी। और कुछ नहीं? और कुछ भी नहीं, बाकी सब आसान है। बाकी आप मुझे बता रहे थे कि होंडा सिविक के अलावा एक और गाड़ी है जिसमें आप बहुत अच्छे से लैम्बोर्गिनी बना सकते हो। और अच्छे से जो बन सकती है वो हो सकती है अकॉर्ड। अच्छा, और एक और आप दिया आप लोगों को क्या था वो ना डाइवू सीएलओ, ये तो बताना कौन सी गाड़ी है ठीक है हाँ। ये बहुत पुरानी गाड़ी है हाँ हाँ। लेकिन प्रीमियम गाड़ी है बहुत, तो उसमें भी आप अच्छे से बना सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से बन सकते, उसमें और अच्छे से बनेगी, उसमें उसका व्हील बेस एग्जैक्टली सेम है लैम्बोर्गिनी से। अच्छा, तो उसमें ज्यादा आसानी होगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया ठीक है। तो इसी नोट पर अपन शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब कर देना, सबसे मेन वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे भारत भर में वीडियो पहुंचाओ कि देखो भाई ये कुछ बंदे हैं अपने जिन्होंने लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर फ्रॉम द स्क्रैच बनाई है ठीक है। बाकी अब मैं जरा फोटोज वगैरह खिंचवाऊंगा अपने इंस्टाग्राम के लिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, मास्टर बटर नाम है मेरी इंस्टा आईडी का, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। भाई को फॉलो करो वायस कस्टम्स ठीक है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, नंबर दे रखा है भाई से, यार तुम्हें कुछ भी काम करवाना हो, कोई भी गाड़ी बनवानी हो, कोई सी भी गाड़ी हो भाई बनवा देंगे रीजनेबल रेट में, मेरे नाम लेके आना, डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा ठीक है। बाकी यही यार, वीडियो एंड कर देंगे यहीं पे है ना, फॉलो कर लेना भाई को, और कोई भी बंदा हो जिसने ऐसा कुछ काम कर रखा हो दिल्ली एनसीआर या बाहर से भी, ऑफकोर्स पूरे इंडिया से भी, कहीं से भी हो, तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है भाई को थोड़ा खर्चा वर्चा देखना आने आने का, बस बस और कुछ नहीं, मैं आके वीडियो ला दूंगा, इतना देख लेना बस इतू सा ठीक है। ठीक है ओके, खत्म करें वीडियो को, अब खत्म करते हैं वीडियो को। तो यार मैं भी हील कर लो, मिलता हूं उससे अगली वीडियो तक के लिए, गुड बाय, ऐसे करो ऐसे, साइनिंग आउट बोलेगा।